What's up guys, welcome to the video. If you are new to this channel, मेरा नाम विकास है and by profession मैं एक chef हूँ. And finally काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने gym area में वापस आया हूँ. And as you can see काफ़ी बुरी हालत हो रखी है यहाँ. वेट यहाँ पड़े रहने के कारण और बरसात के पानी की वजह से काफ़ी गड्ढे हो गए हैं. So we need to fix this thing. जैसे कि मैंने बताया पिछले 3 वीक से यहाँ बरसात हो रही है, तो उन्हीं 2-3 वीक से मेरी डाइट भी काफ़ी ख़राब चल रही है. मैं रेगुलर बेसिस पे अपने वर्कआउट भी नहीं कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन माई केस, बिकॉज मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ अपने वेट को मेंटेन करने के लिए. बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे थे इंस्टाग्राम पर कि भाई आप अपनी कुछ वीडियो की स्टार्टिंग में वर्कआउट करते हो तो उसका मेन रीज़न क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है. गाइस, मेरा मेन गोल इसके पीछे ये है कि मैं अपनी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ा सकूं. अगर मैं डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर ज़्यादा काम भी करता हूं, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ उस काम पर फोकस कर सकूं. ये चीज़ जितनी मेरे लिए ज़रूरी है उतनी ही आपके लिए भी ज़रूरी होगी यहाँ आकर. एंड गाइज, ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने के बाद काफ़ी बच्चे होते हैं जो पैसों के पीछे भागते रहते हैं एंड अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को वो स्पॉइल कर लेते हैं किसी हद तक. आप यहाँ आते हो, मेहनत करते हो, तो मेक श्योर गाइज आप अपनी डाइट पर ध्यान दो. एंड आई नो कुछ बच्चों को यहाँ वर्कआउट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो गाइज मैं आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ आने के बाद आप अपनी डाइट पर फोकस रखें, टाइम से खाना खाएं, अच्छी डाइट लें. अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आप अपनी बॉडी से लॉन्ग टर्म काम नहीं ले पाओगे. सो गाइज, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की. जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप 12th पास हो तो स्मॉलर लेवल ऑफ स्टडीज़ के लिए आओ, ट्रेड कोर्सेज के लिए आओ इन ऑस्ट्रेलिया. ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किया और बोला कि भाई आप ट्रेड के ऊपर एक डिटेल वीडियो कवर करो. सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड कोर्सेज क्या है, ट्रेड क्वालिफिकेशन क्या है और इसका फ्यूचर क्या है इन दिस कंट्री. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ब्रोस. Can you explain again, please? No. Why? I'm shy. You come shy. Come on, come check. Then I will hear that. Yeah. Come on. Oh yeah. भैया वो क्रंची सा बना देना प्लीज. काउंटर में पैसे लगवा दो पहले. ठीक है भैया, पैसे डायरी में लिख लो भैया. नहीं नहीं, काउंटर पे आज नगद कर लो. ब्रेकफास्ट डन, नहाना धोना डन. गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड कोर्सेस से. सो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो इन कोर्सेस के लिए, इन फील्ड्स के लिए. एंड वो कोर्सेस एंड फील्ड्स हैं ब्रिकलेइंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग, कार पेंटिंग, शेफ मीन्स हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव मीन्स मोटर मैकेनिक, लास्ट वेल्डर एंड इलेक्ट्रिशियन. लिस्ट और भी लंबी हो सकती थी, बट गाइस जो मैंने लिस्ट आपके लिए बनाई है ये मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेड कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया के. आप में से काफ़ी बच्चों ने इन कोर्सेज, इन फील्ड्स के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, बट आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज. इन इंडिया आप ये कोर्सेज कर सकते हो ITI से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से. अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च ऐसे इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस होते हैं हर कंट्री में. गाइस, सुनने में ये कोर्सेज बहुत छोटे लगते हैं, बट दीज कोर्सेज आर सो मच इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया. एंड आफ्टर 12th अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रेड कोर्सेज के लिए इन ऑस्ट्रेलिया, सो गाइस मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी बताई लिस्ट में से कोई भी एक कोर्स चूज कर सकते हो एंड आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ही कंट्री से. 4 या 6 महीने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट कर सकते हो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, इससे आपको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने में आसानी होगी एंड आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा ट्रेड कोर्सेज में.
गाइस भले ही हमारी कंट्रीज में इन कोर्सेज की वैल्यू कम हो या ना हो, बट इन ऑस्ट्रेलिया अगर आप इन ट्रेड कोर्सेज में स्टडीज पूरी कर लेते हो एंड एट लास्ट आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, आप मुझे सारी उम्र याद रखोगे इस चीज के लिए। मैंने मूंछ कुछ ज्यादा ही ट्रिम कर ली है। कमेंट में आप जरूर बताना कि मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं ट्रेड क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो बैचलर डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्मॉलर लेवल ऑफ स्टडीज जैसे कि सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 एंड डिप्लोमा। आपकी बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन हो सकती है 2 से 3 साल एंड आपकी डिप्लोमा लेवल तक की क्वालिफिकेशन की ड्यूरेशन होती है 2 साल। मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि 2 साल की आपको कंप्लीट स्टडीज चाहिए होती हैं फर्दर कोई वीजा अप्लाई करने के लिए। ये स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप फर्दर स्टडी वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो और स्टडीज कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आप अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि मोस्टली बच्चे यहाँ करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टीआर लेने से पहले आपने जिस भी ट्रेड से अपनी स्टडीज पूरी की है तो आपको अपना स्किल एक्सेस करवाना होता है टीआरए डिपार्टमेंट से। टीआरए मींस ट्रेड रिकॉग्निशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस इस पॉइंट को काफी ध्यान से सुनना, उसके लिए आपको अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है इन सेम फील्ड कि आपने एटलीस्ट 360 आवर्स काम किया है अपने फील्ड में। उस वर्किंग एक्सपीरियंस को प्रूफ करने के लिए आपको अपनी पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट एंड बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं टीआरए डिपार्टमेंट में। आफ्टर देयर असेसमेंट दे विल लीगली अप्रूव यू एज अ ट्रेड वर्कर इन ऑस्ट्रेलिया। एंड गाइस डरने की कोई बात नहीं है, ये असेसमेंट यहाँ पूरी हो जाती है। इट जस्ट विदाउट दिस असेसमेंट आप अपनी टीआर के लिए यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट अब मेन क्वेश्चन बच्चों का यहाँ ये आ सकता है कि भाई हम 360 आवर्स स्टडी पूरे करने से पहले कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लीगली 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं एंड ये चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको बताई थी कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ट्रेड कोर्स लेके आते हो तो एटलीस्ट एक पार्ट टाइम जॉब आप अपने ही फील्ड में करो, जो आपको लीगल 20 आवर्स मिले हैं आप उसी फील्ड के लिए उनको यूज़ करो। इससे आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, प्लस सपोज इफ यू आर कमिंग फॉर सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 एंड डिप्लोमा, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सर्टिफिकेट 4 जो आपके 20 आवर्स हैं वो लीगली काउंट होते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने 360 आवर्स कंप्लीट करने में। एंड गाइस आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, डिप्लोमा पूरे करते करते आपके वो 360 आवर्स इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि स्टडी करते करते आपको एक पार्ट टाइम जॉब अपने ही फील्ड में करनी है एटलीस्ट फॉर 20 आवर्स, जिससे ना ही आपको अपनी टीआर डालने में दिक्कत आएगी, प्लस पीआर के टाइम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो गाइज इफ यू आर डिसाइडेड कि आपको अपनी ट्रेड स्टडीज ऑस्ट्रेलिया से ही पूरी करनी है तो आपको ये कॉस्ट कर सकता है $12,000 टू $14,000 पर ईयर। अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी बैचलर डिग्री इन ट्रेड कोर्सेज तो आपका फी स्ट्रक्चर इससे ज्यादा हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ ट्रेड एंड देयर कोर्सेज। तो ब्रोस फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है ट्रेड्स का। अगर आप रिसेंटली अनाउंस कट ऑफ लिस्ट की बात करें इन ऑस्ट्रेलिया तो प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वर्कर, कारपेंटर्स एंड बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनको काफ़ी अच्छे अमाउंट्स में सीट्स मिली हैं। एंड गाइज ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, हर साल ट्रेड्स को काफ़ी सीट्स मिलती हैं कट ऑफ लिस्ट में। इससे प्रूव होता है ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है और हमें पैसे की और एक अच्छे फ्यूचर की। एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये स्टडीज़ मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। मैं खुद एक शेफ हूँ, ट्रेड वर्कर हूँ, मुझे यहाँ 7 साल हो गए हैं, तो आपको पढ़ने के साथ साथ काम करने में भी काफी मजा आता है। ब्योमकेश बख्शी देखा गया क्या पटियाला हाउस? ये है वो मधुर भैया जो लोगों की दाढ़ी को खराब करते हैं। अरे यार पागल रह गया। ये इसकी पार्टनर इन क्राइम। बस ये अगर खराब करो सर कुछ बोल भी लो। हाय गाइस हाउ आर यू? हाय टिशू गाइज। अगर हम इनके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो मैंने एक लंबी लिस्ट बनाई है, यू कैन चेक योर सेल्फ। सैलरी पैकेजेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं ट्रेड फील्ड्स के। अगर हम आवरली रेट की बात करें आपको $25 पर आवर से ज्यादा मिलता ही मिलता है। अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे बैचलर करने आते हैं, मास्टर्स करने आते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज उनको ट्रेड कोर्स करने ही पड़ते हैं 2 साल के लिए। जो यहाँ की इमिग्रेशन है, सरकार है, वो लिटरली बच्चों को पुश करती है, आप कंट्री साइड जाओ, वहाँ जाके कोई भी ट्रेड कोर्स करो 2 साल के लिए,
जिससे आपको पीआर के टाइम एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं 12th पास स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, बेटर है आप ट्रेड कोर्सेज के लिए आओ। नोटिस करने वाले बेनिफिट्स यहाँ ये हैं कि इन कोर्सेज की फीस कम होती है एंड फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइज, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं फॉर श्योर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा वहाँ पर। एंड आई नो इस वीक हमारा व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी बिजी था, फादर्स डे प्रेप में काफी बिजी थे हम। वीडियो ऑलमोस्ट रेडी थी बट मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं लग रहा था, बट आई प्रोमिस नेक्स्ट टाइम वीडियो और जल्दी आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, वीडियोस को शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज मी विकास साइनिंग ऑफ, सी यू देन।